वाला जाऊंगी, आपकी संतान आपका भविष्य। जय स्वामीनारायण। पहचाना मुझे? मैं आपके जैसा ही एक पिता हूं। आपकी तरह मेरे घर में भी बच्चे हर रोज कोई ना कोई प्रश्न खड़े करते हैं, पर बड़े बड़े प्रश्नों का मैं अफलातून जवाब ढूंढ निकालता हूं। इसलिए मेरा नाम है पिता अफलातून। और मैंने एक अफलातून सूत्र बनाया है। बच्चों के प्रश्नों के ऐसे जवाब ढूंढो कि बच्चे भी खुश रहे, हम भी खुश रहे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ समझे? बच्चे भी खुश, हम भी खुश और प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे बारे में जानना चाहोगे? हड़ताल? मैंने त्रिताल के बारे में सुना है, ये कौन सा ताल है? हड़ताल? भाई कहाँ पे है हड़ताल? स्टडी में। तो हड़ताल में आप क्या करोगे? आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों भाई क्यों? हमारे सभी दोस्तों को उनके पिता रोज 30-30 रुपए पॉकेट मनी देते हैं, और आप है कि सिर्फ 5-5 रुपए देते हैं। हम हमारा हक लेके ही रहेंगे। हाँ हाँ, पूरे 30 रुपए रोज, वो भी दोनों को। अरे ये पॉकेट करवाए है वो ही बड़ी बात है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? पिताजी आपको सिर्फ पैसों की पड़ी है, बच्चों की नहीं। आपको सिर्फ पैसों की पड़ी है, बच्चों की नहीं। कुछ आइडिया करना पड़ेगा। अरे बस इतनी सी बात के लिए हड़ताल? ये लो 30 तेरे और ये 30 तेरे। भाई अब तो खुश हो ना? अरे चिंता मत करो, रोज दूंगा। मुझे मेरे बच्चों की पड़ी है, पैसों की नहीं। थैंक यू पिताजी। थैंक यू वेरी मच। पर एक शर्त है।
शर्त? हाँ, आज से संजू हर रोज घर के सभी सभ्यों के बिस्तर बिछाएगा और समेटेगा। मंजूर? ठीक है पिताजी, मंजूर। और विजू, हर रोज एक बार पूरे घर में झाड़ू पोछा करेगा। मंजूर? अरे विजू, सोचता क्या है? हाँ बोलते, पैसे मिल रहे हैं। बोलो बोलो मंजूर। एकदम मंजूर। अरे चलो 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 चलो। अरे बाप रे, मैं लेट हो गया। ओके ओके चलो, अब शाम को डिनर पे मिलते। ओके पिताजी। सात दिन तक जानबूझकर बच्चों के साथ डिनर बन, तो ही बच्चे पहुंचेंगे हड़ताल से ताल तक। वाह भाई वाह, 30 रुपए तू भी रोज? हाँ हाँ संजू, देखा हड़ताल भारत में सब कुछ करवा सकती है। पर विजू, पर वार छोड़ और ऐश कर। बड़े जोरों की भूख लगी है। अब पता चला कि रोज झाड़ू पोछा करने में मम्मी पर क्या बीतती होगी। अरे संजू, तेरा दिन कैसा रहा? अरे विजू, मेरा काम तो अभी शुरू ही का हुआ है। पर आज डैडी डिनर पर क्यों नहीं आए? क्या पता। टुन टुन टुन, आयो टुन टुन टुन, टुन टुन रे अफलातून, टुन टुन रे अफलातून, टुन टुन टुन, टुन टुन टुन। आइडिया काम कर रहा है। पटते हैं बच्चे, पटाने वाला चाहिए। टुन टुन टुन। पैसे कमाने में बड़ी मेहनत है, नहीं? सच कहा विजू, मैं भी इतने थोड़े काम में थक जाता हूँ। पर हम सब ने मिलकर तो तय किया था कि हर रोज शाम को साथ खाएंगे, पर पिताजी हैं कि? हाँ, इस वक्त उनको घर होना चाहिए। चल फोन लगाते हैं। पिताजी फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या करें विजू? अब तो हद हो गई है संजू, संडे को भी ऑफिस। टेंशन मत ले विजू, रात होने दो। हाँ संजू, आज हम पूरे हफ्ते का हिसाब लेंगे। हाँ पूरे हफ्ते का हिसाब लेंगे। क्यों पिताजी, आपने हड़ताल शुरू कर दी? क्या आपको सब पता है पिताजी? पिताजी हमने तय किया था दिन में एक बार साथ में भोजन करेंगे, और आज रविवार को भी ऑफिस। देखो देखो बच्चों, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। हमारे लिए? हाँ, पहले तुम दोनों रोज 5-5 रुपए ले जाते थे, अब 30-30, तो मुझे रोज 50 रुपए ज्यादा कमाने पड़ते हैं, इसलिए रोज कुछ ज्यादा काम कर लेता हूँ। देखो देखो, मुझे बच्चों की यानी कि तुम दोनों की पड़ी है, पैसों की नहीं। और तुम दोनों को पैसे चाहिए ना? नहीं, हमें पैसे नहीं, पिताजी चाहिए। हमें हक नहीं,
आपका साथ चाहिए पिताजी। क्या? पिताजी, अब हमें पता चला कि पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम तो थोड़ा सा काम करने में भी थक जाते हैं। मैं भी यही समझाना चाहता हूँ। मैं भी इसी तरह एक एक रुपया इकट्ठा करके घर चला रहा हूँ। पिताजी, आज से हम कभी हड़ताल नहीं करेंगे। मैं भी अभी कभी हड़ताल नहीं करूँगा। पिता अफलातुन बच्चे भी रहे खुश, माँ बाप भी रहे खुश, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अफलातुन। पिता अफलातुन। मिल गया ना मेरा परिचय। हर घर में ऐसे बच्चे होते हैं। बच्चों ने कुछ ज्यादा मांग लिया, कुछ गलत कर लिया, और माँ बाप शुरू करते हैं मारना, पीटना, धमकाना। तो कुछ माँ बाप लंबा चौड़ा भाषण देते, पर ऐसे रास्ते ठीक नहीं है। जब शांति से काम हो सकता है तो अशांति क्यों खड़ी करनी। याद रखिए, बच्चों को स्पष्ट रूप से कही गई ना का अर्थ नहीं समझ में आता है। इसलिए जैसा निर्णय आप बच्चों से चाहते हो, बच्चे खुद ही वैसा निर्णय लें, ऐसा वातावरण खड़ा करना होगा आपको। थोड़ा हटके सोचिए कि जिसमें बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे जैसे अफलातून पिता कम हैं, लेकिन हैं। देखिए, क्या पढ़ रहे हो पिताजी? श्री कृष्ण के चरित्र पढ़ रहा हूँ। कान्हा बड़ी शरारतें कर रहा है, रोज आती फरियादों से यशोदा मैया और नंद राजा तंग आ चुके हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। जी हाँ, चरित्र नंबर एक, डॉक्टर रमेश की गाड़ी की हवा निकाल दी। चरित्र नंबर दो, घर पर मेहमान आए तो सनी ने हल्ला मचा दिया। चरित्र नंबर तीन, पड़ोसी के घर का डोरबेल बिना कारण बजता ही गया। अतः श्री कृष्ण चरित्रम समाप्तम। जी नहीं, समाप्तम नहीं, ऐसे चरित्रों का पूरा श्रीमद् भागवत है। क्या कहा पिताजी? जी हाँ, अब तेरी शरारतें हद से बाहर हो गई हैं सनी। तेरे कारण हम सबकी इमेज बिगड़ रही है। अरे पिताजी, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बुढ़े करेंगे? जो भी हो, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सनी, सनी, सनी। छोड़िए भी ये सब छोटी मोटी बातें, एक मजेदार मैटर सुनिए। कल मेरे मित्र रुचिर के घर पार्टी है, आपको जरूर आना है। तो अब मेरी बारी है। प्रॉमिस। जी हाँ, प्रॉमिस। मणिराम, सब ठीक कर दो जल्दी। रुचिर,
ये मेरे पिताजी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। ओ, ओ, पिताजी फिर गड़बड़। चलिए यहाँ आइए। इनसे मिलिए। ये है रुचिर के पिताजी रामशरण। बड़ी अच्छी है ना ये पेन, मैं रख सकता हूँ? जी जरूर। थैंक यू। ओ पिताजी क्या हुआ तुम्हें? नो प्रॉब्लम सनी, कोई बात नहीं। पार्टी का पूरा मजाक किरकिरा कर दिया पिताजी ने। सुनिए सब यहाँ आइए, आइए पधारिए। हाँ मैं हूँ सनी का डैडी। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज आप सबकी उपस्थिति में मैं सनी को हर एक शरारत करने की परमिशन देता हूँ। आखिर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? बोलिए, अरे बोलिए ना। सनी तेरे पिताजी भी कमाल है। मैया तेरा कानिया करता है तूफानिया, मैया तेरा कानिया करता है तूफानिया, देता हमको गालियां ओ मैया तेरा कानिया, मैया तेरा कानिया करता है तूफानिया। पिताजी आज आपने मेरी इज्जत धूल में मिला दी। बेटे मेरी इज्जत भी वहाँ धूल में ही पड़ी है। अब मैं मेरे दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? जैसे हम माँ बाप सबको दिखाते हैं। क्या? जैसे हम माँ बाप सबको दिखाते हैं। सॉरी पिताजी, आई एम वेरी सॉरी। आज मुझे पता चला है पिताजी कि मेरी शरारतों से आप माँ बाप पर क्या बीतती होगी। अरे रे 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 रे। बेटे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लो पानी पियो। बैठो यहाँ। ये क्या? अच्छा तो ये सब आपका प्लान था पिताजी? जी हाँ। ओ पिताजी। देखो बेटा, रुचिर के पिताजी तो मेरे पुराने दोस्त हैं। हम सबने मिलकर ये प्लान किया था। तेरी इज्जत धूल में नहीं मिली है। सच कहता हूँ पिताजी, अब कभी आपकी इमेज डाउन हो वैसा कुछ नहीं करूँगा। प्रॉमिस? हाँ पिताजी, पक्का प्रॉमिस। आजा मेरा राजा बेटा। पिता अफलातुन बच्चे भी रहे खुश, माँ बाप भी रहे खुश, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अफलातुन। पिता अफलातुन। कैसा लगा? बहुत भयानक प्रयोग था ना? पर क्या करें, करना पड़ता है। लातों के भूत बातों से जो नहीं मानते। और फिर भी याद रखिए, यहां कोई लात नहीं थी। अरे भाई, पिता अफलातुन की विशेषता ही यही है, बहुत सारा धैर्य और बुद्धि का सदुपयोग, कि जिससे बच्चे ये महसूस करें कि मेरे पिता हमसे बेहद प्यार करते हैं और हमारी उन्नति के लिए हमेशा चिंतित भी है। तो पिता अफलातुन के पास होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव सॉल्यूशन, कि जिसमें बच्चे भी खुश
माँ बाप भी खुश और प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हुआ रोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी, I want rest। अरे पर किससे? पढ़ाई से पिताजी, पढ़ाई से। No study, बस enjoy life। क्या? मैं हर रोज पढ़ पढ़ कर, लिख लिख कर, स्कूल जा जा कर उब चुका हूँ पिताजी। अच्छा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एक महीने के लिए रेस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। एक महीने? धीरज से काम लो पिताजी, कुछ सोचो, प्लान बनाओ, प्लान। पिताजी क्या बड़बड़ा रहे हो? ठीक है, तुम एक महीने के लिए स्टडी से रेस्ट ले सकते हो। क्या बात है, अब मान गए? हुर्रे, याहू। अरे क्यों नहीं, आखिर तू मेरा बेटा है, तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहा है तू? अरे मैं गिर जाऊंगा। रोहन चलो मैं नहा लूं, फिर शुरू करते हैं महीने भर की एंजॉयमेंट। भूख लगी है। मम्मी एक महीने की रेस्ट पर है, हर रोज खाना बना के उब गई है ना? क्या कहा? जी हाँ। हाँ तो कोई बात नहीं, दूध लाओ। दूध वाला भी रोज दूध बेच के उब चुका है, अपने गांव महीने के रेस्ट पे है। ओफो, ये लाइट को क्या हुआ? रामू काका। चिल्लाओ मत रोहन, रामू काका भी काम से उब चुके हैं और महीने के रेस्ट पर हैं। ये सब क्या है पिताजी, आपने इन सबको रोका क्यों नहीं? अरे भाई मैं मेरे छोटे बेटे को भी रोक नहीं पाता तो इन बड़ों को? इम्पॉसिबल। अब जो करना है हम दोनों को ही करना होगा, समझे? कोई बात नहीं पिताजी, मैं हूँ ना, मैं करूँगा सब कुछ। मैं करूंगा जनरेटर शुरू। रोहन रोहन बेटे क्या देख रहे हो? कार्टून देख रहा हूँ। इसमें हीरो कौन है? वो हाँ वो है हीरो। क्या हीरो टीवी देखता है? क्या कहा पिताजी? बेटे रोहन तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी को नहीं, तुम्हें लोग टीवी पर देखें। क्या कहा पिताजी? बेटे मेरे विचार पर सोचना, जवाब मिल जाएगा। तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी को नहीं, तुम्हें लोग टीवी पर देखें। क्या हीरो टीवी देखता है? डैडी डैडी मुझे नई डीवीडी चाहिए, वो भी आज ही। ये सब डीवीडी मैं देख चुका हूँ। हाँ हाँ चलो 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 खरीदने। क्या कहा, अभी? जी हाँ अभी। चलो पिताजी चलो। अरे भाई एक बहुत फेवरेट धमाकेदार कार्टून डीवीडी दो। आप ही देख लीजिए सर। क्या तुम्हें नहीं मालूम? द
दरअसल हमारे घर टीवी और प्लेयर नहीं है, हम गरीब हैं। मेरे पिताजी ये लारी चलाते हैं। तो तुम क्या करते हो? मजदूरी। मेरे पिताजी ने बचपन में बहुत समझाया था कि पढ़ाई में ध्यान दो, पूरी लगन से मेहनत करो, वरना पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैंने उनकी एक न सुनी और आज सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आप भाग्यशाली हो क्योंकि आपको पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनने का मौका मिला है। देखो देखो छोटे साहब, ये सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर पैसे नहीं है, तुम्हारे जैसे पिता नहीं है इनके पास। चलो पिताजी, मुझे डीवीडी नहीं लेनी है। सर एक दो तो लेते जाओ, वरना हम खाएंगे क्या? आ, 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 वो है ना वो वाली, वो हाँ वो वाली दे दो। अयो टुन 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 रे अफलातून, टुन टुन रे अफलातून, टुन 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 टुन। पिताजी ये क्या है? इस डीवीडी में तो एक लड़का बस पूरा समय टीवी ही देख रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं इसमें। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है। सच कहूँ तो बेटे, मुझे भी ये पसंद नहीं। क्या कहा पिताजी? हाँ बेटे, तेरा पूरे दिन टीवी देखते रहना और पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देना, तेरे से बहुत उम्मीद है मुझे। बहुत प्यार करते हैं हम तुझे, और तुझे गरीब और दुखी हम नहीं देख सकेंगे, इसलिए तो बार बार टोकते हैं। हम तेरे दुश्मन नहीं है बेटे, हमें अपने ही बच्चों को दुखी करना अच्छा लगता होगा। चल तू ही बता, अच्छा लगता हो? सर एक दो तो लेते जाओ, वरना हम खाएंगे क्या? सॉरी पिताजी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी भावनाओं को समझ न पाया। लेकिन पिताजी अब मैं बहुत पढ़ूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। आज से टीवी बंद। बेटे, बस मुझे यही उम्मीद थी बेटे तुझसे। वाह बेटे वाह, मेरा अच्छा बेटा। इला बबुआ दूध। आप रामू काका, आपका रेस्ट पूरा? अरे तोहरा टेस्ट पूरा तो हमारा रेस्ट पूरा। पिता अफलातुन, पिता अफलातुन, बच्चे भी रहे खुश, माँ बाप भी रहे खुश, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अफलातुन। पिता अफलातुन। बच्चों को टीवी, वीडियो गेम, इंटरनेट आदि छुड़वाना और अभ्यास के लिए प्रेरित करना हर माँ बाप के लिए आसमान से तारे जमीन पर लाने जैसा कठिन काम है, लेकिन पिता अफलातुन वो भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले माँ बाप को खुद को टीवी छोड़ना पड़ता है। बच्चों को अभ्यास की महिमा सिर्फ बोलकर नहीं, उसका अनुभव करवा के समझाइए। और याद रखिए, आज का युग स्पर्धात्मक युग है, अच्छी पढ़ाई सिर्फ आवश्यक नहीं अनिवार्य है। फिर भी सरमुख्तियार शाही से नहीं, प्रेम के शासन से।
कुछ ऐसा उपाय करें कि बच्चे भी खुश रहे, हम भी खुश रहे और प्रॉब्लम सॉल्व। आपके बेटे विजय को कंट्रोल में रखिए, बहुत कंप्लेन आ रही है उसकी और उसकी चोरी की आदत बढ़ती ही जा रही है। सॉरी सर, मुझे ही कुछ करना होगा। देखिए जो भी करो थोड़ा जल्दी, ताकि आपका बच्चा आपके हाथ से ना जाए। जी 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 सर, थैंक यू। पिताजी क्या हुआ, आप टेंशन में हैं? हाँ वो थोड़ा। तो चलो खेलते हैं, टेंशन मेंशन सब उतर जाएगा। हाँ? लेकिन आज हम ऐसा खेल खेलेंगे जो किसी ने आज तक ना खेला हो। लेकिन आज हम ऐसा खेल खेलेंगे जो किसी ने आज तक ना खेला हो। नई गेम, तब तो और मजा आएगा। नाम बताओ जल्दी जल्दी। खेल का नाम है अदला बदली। अरे ये कौन सा खेल है पिताजी? आज से दो दिन तक तू मैं और मैं तू। क्या कहा? आज से दो दिन तक तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा। ये तो बड़ा अच्छा मौका है, समझो आज पिताजी फंस गए। क्या हुआ हा? तो तैयार है ना? तैयार हूँ बेटे। पर एक नियम है बेटा, इन दो दिनों में हम एक दूसरे को जो वचन देंगे वो खेल के बाद भी हमें निभाने होंगे, समझे पिताजी? ओके बेटा। बेटे ये क्या, काले कपड़े किस लिए? कुछ नहीं, वो एक नया धंधा मिल गया पापा। धंधा? हाँ, नो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट 100%। थोड़ा रिस्क है पर जितना माल मिले सब अपना। क्या अनाप शनाप बकरे हो बेटे, ऐसा तो कोई धंधा होता है क्या 100% मुनाफा? धंधे का नाम तो बोले बेटे। ये धंधा है पापा चोरी का, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनूंगा। है पिताजी बहुत कुछ जानते हैं, पर बेटे हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। पिताजी आप तो बड़े हो, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो, जो चाहे खरीद सकते हो, जहाँ चाहो घूम सकते हो, और हम तो जाओ आज से तुम्हें रोज 100 रुपए दूंगा। नहीं बाबा ये तो कम है। अच्छा तो जाओ 200 रुपए रोज बस। पापा पर बेटे गुस्सा मत करो, ज्यादा चाहिए तो भी मिलेंगे। पापा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, जो निर्णय लेता हूँ ठीक लेता हूँ। अरे ये तो फंस गए, अभी तो शुरुआत है पिताजी। आयो टुन 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 रे अफलातून, टुन टुन रे अफलातून, टुन 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 टुन। आज ना एक बड़ी अच्छी कहानी हाथ लगी है, सुनेंगे पिताजी? सुनाओ बेटे। तो सुनिए, एक बहुत बड़ा घना जंगल था, उसमें एक लोमड़ी रहती थी।
पर वो चोर थी। एक बार सेनापति गजराज ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। बहुत मारा, हड्डी पसली एक कर दी। लोमड़ी के सारे परिवार जनों की इज्जत धूल में मिल गई। बेटे, ये स्टोरी अच्छी नहीं है, दूसरी सुनाओ। नो प्रॉब्लम पिताजी, अब चलो अंदर। देखो पापा, अगर आप नशा करेंगे, बीड़ी, तंबाकू, दारू आदि का सेवन करेंगे तो ऐसी भयानक बीमारियां आएंगी, देखा, और फिर अंजाम मौत। पिताजी तो छुपे रुस्तम निकले। बेटे, ये स्टोरी भी अच्छी नहीं है, अब बस करो। चलो, अब मैं थक गया हूँ, आराम करूंगा। अरे पापा, आप भूल गए, कल मेरा जन्मदिन है, गिफ्ट में क्या दोगे? पिताजी, कल मेरा जन्मदिन है, गिफ्ट में क्या दोगे? जो आप चाहोगे। गिफ्ट में क्या दोगे? जो आप चाहोगे बेटे। पक्का? हाँ हाँ, प्रॉमिस। यस पापा, यू आर ग्रेट। अरे, ये मैंने क्या किया, ऐसा ब्लैंक प्रॉमिस मैंने क्यों दिया? कुछ नहीं, कल की बात कल। चलो बेटे उठो, अच्छे बच्चे ज्यादा नहीं सोते। पिताजी, आज तो मेरा जन्मदिन है, स्कूल नहीं जाना। स्कूल नहीं तो मंदिर तो जाना है ना। जाएंगे, क्या जल्दी है। पापा तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओह पिंकेश भाई, आप ही हैं विजय के पिता? नहीं, आज वो मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूँ। क्या? आज वो मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूँ। अरे ये सब क्या है, मैं तो आपके बेटे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ भी कहना हो इससे कहिए, आज तो मैं बेटा हूँ, ये बाप है। अरे फंस गए। क्या बोला? ठीक है मयंक भाई, आज मैं इनका बाप हूँ और ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे के बारे में जो भी कुछ कहना हो कहिए। अरे पर मैं तो तेरे बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ। जो कहना हो जल्दी कहिए। देखिए, आपके बच्चे को संभालिए पिंकेश भाई, बाल सभा में मस्ती करता रहता है और सुना है आजकल व्यसन भी करता है और पूजा भी छोड़ दी है इसने। क्या करूँ, वो बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। अरे आप हंस रहे हैं, बस ऐसे ही बच्चों का पक्ष लेते रहे तो भविष्य अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो मयंक भाई, अब हम जाए। क्या हुआ पिताजी, आप टेंशन में हैं? आज तो आपके बेटे का जन्मदिन है, आपको तो खुश होना चाहिए। क्या खाक खुश हूँ, मेरे कार्य कर, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? चिंता मत करो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। पापा प्लीज, अभी ये खेल यहाँ पर ही पूरा करो। ना ना पिताजी ना, अभी जन्मदिन की गिफ्ट बाकी है, आपने प्रॉमिस किया था जो मांगूंगा दोगे। मांगो पिताजी। तो जल्दी मांगो। चोरी और तंबाकू का व्यसन छोड़ दो। मंजूर। पूजा और बाल सभा का व्यसन चालू करो। मंजूर। मैं आज से हर रोज पूजा करूंगा, कभी व्यसन नहीं करूंगा, बस। आपने आज मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी गिफ्ट दे दी पिताजी। पिताजी नहीं, बेटे। पिता अफलातुन, पिता अफलातुन, बच्चे भी रहे खुश, माँ बाप भी रहे खुश, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अफलातुन।
पिता अफलातुन। चोरी करना, झूठ बोलना, कुसंग का रंग चढ़ जाना, सत्संग से विमुख रहना, ये सब बच्चों के कॉमन प्रश्न है। इस समय डांटना, मारना, उपदेश देना, ये सब तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज सिखाते हैं जरा धीरज, समझदारी और प्रेम से काम लो। सिर्फ पिता ही नहीं, माता भी अफलातुन बन सकती है, पर हाँ, यहां दिखाए गए उपायों की कॉपी मत करना, क्योंकि हर घर की भूमिकाएं अलग होती है। बस थोड़ी समझ और धीरज रखनी है। बच्चों के संबंधित आपके प्रश्नों के जवाब आपके पास ही है। कुछ ऐसा करो कि बच्चे भी खुश, हम भी खुश और प्रॉब्लम सॉल्व। है ना। जय स्वामीनारायण।